आसनसोल के सांसद व केंद्र मंत्री बाबुल सुप्रियो का उनके लोकसभा क्षेत्र में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। मंगलवार को आसनसोल के बर्नपुर स्थित बाबुल सुप्रियो को स्थानीय भाजपा समर्थकों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर बाबुल सुप्रियो ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने की बात कही। जो दहशत, जो गुंडागर्दी, जो अन्याय लोगों के साथ तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी कर रही है, उसके खिलाफ एक आवाज बन चुकी है। आज जय श्री राम जो है वो एक आवाज बन चुकी है। जो जो लोग तृणमूल के इल्लीगल वेपन, हाथ में बंदूक, ये सब बंदूक लेके ये जो तृणमूल के गुंडे जो लड़ते हैं उनके साथ भी लड़ाई किया, और वर्दी पहन के दीदी की पुलिस जो दहशतगर्दी किया उन गुंडों के साथ भी लड़ाई किया। गटर का पॉलिटिक्स करते हैं, यानी कि जो गंदी नाली का पॉलिटिक्स है वही पॉलिटिक्स करते हैं हम। उनको उनका मुंह नहीं लगते हैं, जो गटर में जो गंदी नाली का पॉलिटिक्स करते हैं उनको वहीं हम छोड़ देते हैं, उनको वहीं पे अपना पॉलिटिक्स करें। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोगों तक सरकार का काम जो है उसको पहुंचाने की, सरकार की जो सुविधा है वो पहुंचाने की हम काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो निष्ठुर दीदी जो है, जिनका जिनके पास दिल तो है ही नहीं, अगर है तो सिर्फ अपने भाइयों के लिए है जिनको उन्होंने करोड़पति बना दिया और खुद अपने हाथ में हवाई छुट्टी पहन के घूमती है। आप एक पाइप में 100 रुपया डालते हैं तो बंगाल के गरीब लोगों के पास वो 100 रुपया तो छोड़िए 15 पैसा पहुंचता है। 100 रुपया अगर दिल्ली में एक पाइप में डालते हैं तो 15 पैसा पहुंचती है। यहाँ पे तो दीदी ने ऐसी हालत कर दिया, ममता दीदी ने ऐसी हालत कर दिया कि वो 15 पैसा भी आता नहीं है, उनके भाई लोग जो है वो पाइप भी काट के आपस में चोरी करके बांट लेते हैं। और उस समय का इंतजार करिए जब बंगाल में बहुत जल्द बीजेपी सरकार बनेगी और आपके पैसे से आपका काम होगा। कोई नेता के सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई नेता अपना पॉकेट से पैसे, गवर्नमेंट के पास सरकार के पास कोई पैसा नहीं होता है। आप लोग जो टैक्स देते हैं, आप लोग जो टैक्स देते हैं वही टैक्स सरकार के खाते में जमा होता है, वही चीज में आपका काम होना चाहिए। तो बिचौलिया जो तृणमूल वाले पैसा लूट लेते हैं वो हम नहीं होने देंगे, उसको भी विनाश करेंगे। दुष्ट का विनाश जो है वो किया जाएगा और बहुत जल्द बंगाल में आप बीजेपी की सरकार देखेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय।